देखो भाई, अब आलू के अंदर में जा रहा है, ये आलू है, इसके अंदर में जा रहा है नमक। फैलाओ थोड़ा, हाँ और थोड़ा डालो। टाटा नमक है भाई, मिलाओ। देखो इतना मत मिलाना कि वो सब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने वाले हैं कुछ देसी स्टाइल में। आप जानते होंगे शायद, आलू का औंधा होता है हमारे यहाँ लगाई जाती है, जो कि जनरली गांव के लोग काफ़ी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि गांव में ये काफ़ी ज़्यादा लगाया जाता है। तो आज हम लोग शहर में भी ये चीज़ें करने वाले हैं, और आज हम लोग लगाएंगे ये आलू का औंधा। तो चलते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, और आप लोग भी बने रहो हमारे साथ और देखो कि आलू का औंधा लगाया कैसे जाता है और किस तरीके से ये बनाई जाती है। तो चलो थोड़ा विलेज वाले फूड का एंजॉय लेते हैं, मजा करते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कैसा बनाता है। उसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा मार्केट। चलिए फिर मार्केट में। अभी हम लोग आ गए हैं रेलवे गुमटी, बागेश्वरी गुमटी, और और कुछ नहीं, अब मिलते हैं आलू लेने के समय। ये देखो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इस तरीके का एक घड़ा होता है और वो धुला रहा है, यहाँ पे साफ हो रहा है। इट मीन भाई, और इसमें ना पानी भरो भाई। सौरभ आलू लेके आओ। फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया थोड़ा ठंडा का तैयारी, ताकि थोड़ा ठंडा से बचा जा सके। और इधर अभी भी आलू की सफाई हो रही है भाई। तो अब फ्रेंड्स, ये जो आलू है ना, आलू जा रहा है इस घैला में, और उसके बाद हैप्पी उसके बाद भाई मैंने खाया वाला सब है। तो रुकिए ना भाई, पहले रेसिपी बता रहा है। हाँ बोलो भाई। उसका बाद आलू के बाद धनिया पत्ता नमक मिर्चा जाएगा। तो रुक जाइए, उसको डालिएगा, मिलाइएगा तब ना। मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, खाली खाली रहेगा तब ना। हल्का तो खाली। अरे हाथ से डालो ना भाई, थोड़ा वो हाथ में ऐसे लेके ऐसे करके। देखो भाई, अब आलू के अंदर में जा रहा है, ये आलू है, इसके अंदर में जा रहा है नमक। फैलाओ थोड़ा, हाँ और थोड़ा डालो। टाटा नमक है भाई, मिलाओ। देखो इतना मत मिलाना कि वो सब हो जाए। क्या डाला रहा है पीजी? मिर्ची, हरी मिर्ची। अच्छा, ऊपर रखल है। अरे आ जाएगा, जरूरत पड़ेगा तो कुछ आएगा फिर कुछ ना, जरूरत पड़ेगा तो आ जाएगा। और बस करें ना, ज्यादा मत डालो, तो ना और डालो। अब होगा इसको, बोल दो क्या होगा पेपी? एक इससे मुंह बंद हो जाएगा और बाकी का पुआल अच्छा जलाने के लिए काम आएगा। आगे तरफ से निकालिए, बोल देना एक बार धो देगी। एक्सपीरियंस। ओके, विनीसर चाचा। देखो फ्रेंड्स, अभी निकला गोईठा। और ये गोईठा से क्या होगा ना, इसको पूरा उभर ऊपर से कवर किया जाएगा। लो ईटा चाटो, ईटा लो, इसको पलटो। अरे बात वही है यार, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको पलटो। चार ईटा लाओ, लाओ इसको ईटा लाओ इसको। चलिए पानी निकल रहा है इसके अंदर से चारों ओर। अब क्या हो रहा है अभी, क्या आपको थोड़ा तेज बोलिए ना, पूरा तरफ से। उसके बाद आग लगा दीजिएगा इसमें, इसमें और काम है। ओके नहीं भाई, मामा से तुम पूछो, गोईठा ना डबल लेयर चलता है। गले नीचे से पहले रख में थे ना सारा को। ये क्या हो गया यहाँ पे, ठंडा लग रहा है हड़िया को। हाँ हो गया हो गया, हाँ दो तीन गोईठा डाल देते हैं। इतना में कुछ नहीं होगा भाई, पक जाएगा खाली में। अब क्या करना है हैप्पी, पहले इसको कवर करना है ना, करो अच्छे से कवर करो भाई। सब हो गया इसका तैयारी, आग लगाने का।
अरे तो आग जाओ इसे डाल दिया आग लगा देने के बाद कितना देर लगेगा हैप्पी एक घंटा इधर देख के बोलिए ना जी फ्रेंड्स अभी इसमें कितना और टाइम लगेगा बट हाँ आग जो है बिल्कुल बुझ गया है सो पक्का एक घंटा रखना होता है शायद और मुझे नहीं लग रहा है कि अब इसमें आग है थोड़ा बहुत भी लेकिन हाँ 10 मिनट और वेट ही कर लेते हैं सो अब शायद से हो गया अरे भाई अभी अरे भाई आग था भाई पानी निकल रहा है भाई अरे हाँ पानी निकला लुआ से भाई सोंधा दोस्तों आप लोग बताओ स्मेल आ रहा है क्या थोड़ा सुगंध फ्लेवर अरे रुको ऐसे नहीं होता है भाई पानी है वो पूरा भर भर हो गया सब की गजब कर रहा है पूरा नहीं सीझा ना सीझा नीचे वाला नहीं सीझा होगा नीचे वाला नहीं सीझा होगा सीझ गए हो निकाल एक निकाल दो नहीं सीझा होगा निकाल दो ठंडा हो जाएगा मजा नहीं आएगा फिर कैसा है टेस्ट खाया अरे ऐसा ही खाया जाता है भाई तभी ना सुंदर लगेगा कैसा टेस्ट लग रहा है औंधा पहली बार सुने बताइए कुछ औंधा के बारे में शेयर कर दो भाई दिखाओ तो हाथ थोड़ा सा अच्छा है कैसा लगा चाचो कैसा लगा तो फ्रेंड्स यही बना है औंधा और टेस्ट तो काफी अच्छा है लेकिन थोड़ा सा यही है कि पहली बार में पका नहीं था अच्छे से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है टेस्ट वैसे में ये देखो औंधा है आलू का और उसके साथ में नमक है और ये साथ में वो है इसको कुच्चा बोलते हैं